First of all, I would like to thank all the esteemed guests, Mr. Prashant Thakur, Chairman Sidco and MLA Panvel, Shri Sanjay Kumar Ji, Commissioner of Police, Navi Mumbai, Shri Ganesh Deshmukh Sir, Municipal Commissioner, Panvel, for sparing their valuable time and coming for our Navi Mumbai Awaaz channel, third conclave, and all the respected guests. आप सभी का दिल से स्वागत है. आज का जो हमारा थीम है, अपॉर्चुनिटी अहेड. दोस्तों, नवी मुंबई में ऑलराउंड प्रोग्रेस हो रहा है. काफ़ी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं. लास्ट ईयर सिडको एमडी श्री भूषण गगरानी साहब ने यही स्टेज से बताया था कि नवी मुंबई में 1.25 लाख करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नवी मुंबई का जो रचना थी वो प्री इंडिपेंडेंस थी, यानी 1945 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एच फोस्टर किंग ने इसकी रचना की थी, क्योंकि मुंबई में आबादी बढ़ रही थी. उसके बाद 1967 में प्रोफेसर गाडगिल ने इसे फाइनल किया और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग में इसे पास करवाया. आज की जो हमारी एजेंसीज है नवी मुंबई में, जैसे सिडको, एनएमएमसी, पीसीएमसी, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर ने सब मिलके नवी मुंबई को बनाया है. दोस्तों, और आज का अपना स्पीच समाप्त करने से पहले हमारे नवी मुंबई आवास चैनल के डायरेक्टर श्री महेश लाल, इनकी माताजी यानी हमारी सबकी अम्मा का थोड़े दिन पहले ही देहांत हुआ था, तो आप सब से अनुरोध है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सब प्रार्थना करें. इसी के साथ मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय नवी मुंबई.